अधिक समय से काम करने वाले भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार की भी इसी साल मौत हो गई। अपनी मौत से कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा कि हादसे के 34 साल बाद भी ना तो मध्य प्रदेश और ना ही केंद्र सरकार ने इसके नतीजे और प्रभावों का कोई आकलन करने की कोशिश की। उनका कहना था कि 14-15 फरवरी 1989 को केंद्र सरकार और अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के बीच हुआ समझौता पूरी तरह से धोखा था और उसके तरफ मिली रकम का हर एक गैस प्रभावित को पांचवें हिस्से से भी कम मिल पाया है। नतीजतन गैस प्रभावितों को स्वास्थ्य सुविधाओं, राहत और पुनर्वास, मुआवजा, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और न्याय, इन सभी के लिए लगातार लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जब्बार के अनुसार समझौते के तहत मृतकों और घायलों की संख्या बहुत कम दिखाई गई है। उनका कहना था कि वास्तविकता में ये संख्या बहुत अधिक है। इस पर 3 अक्टूबर 1991 को उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि यदि यह संख्या बढ़ती है तो भारत सरकार मुआवजा देगी। बता दें कि इस समझौते में गैस रिसने से 3,000 लोगों की मौत और 1.02 लाख लोग प्रभावित बताए गए थे। जब्बार का दावा था कि असलियत में 2-3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को यूनियन कार्बाइड के भोपाल स्थित कारखाने में रिसी जहरीली गैस मिक से अब तक 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और लगभग 5.74 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।